गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू? होप एवरी वन इज सेफ, सिक्योर एंड टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ देम सेल्फ एंड देयर फैमिलीज। तो सेक्टर 79 और इसके आसपास बहुत सारे लॉन्चेस अभी प्लान्ड है। बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, दे आर कमिंग अप नियर सेक्टर 79, सेक्टर 80, सेक्टर 76, सेक्टर 77, और आज हम हैं सेक्टर 79 के अंदर। तो सेक्टर 79 और उसके आसपास क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कौन कौन से बिल्डर्स अपना मेजर लैंड पार्सल लेकर बैठे हैं, किस तरह से चीज़ें एलिवेट हो रही हैं और किस तरह से चीज़ें अपडेट हो रही हैं इस सेक्टर में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको देंगे। और बताऊंगा कि जो ब्लैक टॉपिंग वाली रोड थी, जो बहुत टाइम से सब लोगों का था कि वो जो कनेक्टिविटी है हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस सेंटर का जो हेड ऑफिस है सेक्टर 73 के अंदर, 74 के अंदर, जो डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स के बराबर में एमएक्स का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस बना है, वहां से सेक्टर 79 की कनेक्टिविटी कैसी है, हाउ इज इट, एंड देखेंगे उस रोड को भी जो कनेक्ट करता है एमएक्स के कैंपस से टू सेक्टर 79, क्योंकि बहुत सारे टॉप नॉच ब्रांडेड डेवलपर हो गए, उन सब ब्रांडेड डेवलपर के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर कमिंग अप ऑन द सेम लोकेलिटी। सेक्टर 79 हैज बिकम द हॉटस्पॉट, सेक्टर 80 हैज बिकम द हॉटस्पॉट, सेक्टर 76, 77 हैव बिकम द हॉटस्पॉट, एंड द एंटायर सदर्न पेरीफेरी रोड SPR have become the hotspot of the new launches, by either the residentials or the commercials. और वहाँ से जो connectivity हो रही है आपकी द्वारका expressway की, आपकी न्यू गुड़गांव की, आपकी SPR की सारी जो connectivity है that is totally amazing. तो किस तरह से यहाँ पर branded products आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर prices enhance हो गए, किस तरह से यहाँ के development को एक नई speed एनालॉगी होगी, तो वो सारी चीजें जानते हैं, देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं आज की इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद योर होस्ट एंड दोस्त अंकित मलिक फ्रॉम माई शॉप डील। ये हम निकले हैं सेक्टर 79 के डिवाइडर रोड से, जो मैप्स को माउंट विले, गोदरेज आर्या, गोदरेज 101, M3M अंतालिया, M3M गोल्फ हिल्स, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी SD79, सिग्नेचर गोल्फ ग्रीन्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स को यही रोड कनेक्ट करती है। और ये दोस्तों वो 84 मीटर रोड है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, विच इज वन ऑफ द वाइडेस्ट। इसी रोड पर सेक्टर 78 के अंदर मैप्स को के एज पर प्लॉट्स हैं, GLF के प्लॉट्स हैं जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, गेट का भी काम काफी हो गया है, और ये साइड में आप देख रहे हैं M3M गोल्फ हिल्स का एलिगेशन है। यहाँ पर फ्रंट में कमर्शियल आएगा दोस्तों और बैक साइड में पूरा का पूरा गोल्फ हिल्स का काम चल रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल गोल्फ ग्रीन्स ने भी अपना जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट है वो भी कंप्लीशन की स्टेज पर है, और बाकी जो आप ये रोड देख रहे हैं काफी टाइम से इस रोड का वर्क चल रहा है। स्पीड लिमिट 50 ऑलरेडी GMDA ने यहाँ पे साइनेजेस लगा दिए हैं। बीच की जो आप ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राउड है कि गुड़गांव की वन ऑफ द वाइडेस्ट ग्रीन बेल्ट इस रोड पे है, जो कि अगर हम बात करते हैं 84 मीटर रोड की के दोनों साइड में 12-12 मीटर की ग्रीन बेल्ट होगी एंड बीच में भी ग्रीन बेल्ट है, तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है गुड़गांव के लिए, गुड़गांव की प्रोजेक्ट्स के लिए जो यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। कॉन्शियन का पार्क यहाँ पर लॉन्च हुआ है अभी नया प्रोजेक्ट सेक्टर 80 के अंदर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, उसकी भी बात करेंगे। सामने आप मेरे देख सकते हैं, दिस इज द नेचर व्यू ऑफ अरावली, अरावली का पूरा व्यू है जो आप देख सकते हैं, दिस इज द लाइफ टाइम व्यू ऑफ अरावली एंड इट विल रिमेन एज इट इज। ये मैं कोई कसौली या किसी हिल स्टेशन पर नहीं हूँ दोस्तों, ये गुड़गांव का सेक्टर 79 है जिसका मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पर वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग सेक्टर 79 रहेजा रेवांता, वो भी फाइनल स्टेज पे है, जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज रहेजा दी रेवांता। ये रहेजा ग्रुप की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है, टॉलेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग है, और 64 स्टोरी की ये बिल्डिंग है। पॉजिटिवली विद इन अ ईयर इसका पोजीशन हो जाएगा, काफी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सूर्य टावर और तपस टावर है, और यहाँ पर इनके तपस फ्लोर्स भी हैं जो लो राइज फ्लोर्स हैं बेसिकली रहेजा के, और यहीं पे ही ट्रू हैबिटेट का भी
जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है, ये जो जंक्शन है जो आप देख रहे हैं, आई शो यू, वहां पर ट्रू हैबिटेट के टोटल बोर्ड्स वगैरह लग चुके हैं, साइनेजेस वगैरह लग चुका है। अभी बहुत ही जल्दी उनका भी नया लॉन्च यहाँ पर आने वाला है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और बीच की जो ये रोड है, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी पूरी की पूरी स्मूथली हो चुकी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप आपको कनेक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज चीज़ें मैं अपडेट देता रहूँ। ये देखिए, ट्रू बोध गया हैबिटेट के ब्रोच यहाँ पर साइनेजेस लग चुके हैं, लेट मी शो यू। ये देखिए, ट्रू हैबिटेट के साइनेजेस यहाँ पर लग चुके हैं। इसके पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट इज रहेजा दी रेवांता, विच इज वन ऑफ द टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर ऑफ द दिल्ली NCR। और ये सेक्टर 78 का जंक्शन है, जहाँ पर ट्रू हैबिटेट के सारे साइनेजेस, सारे जितने भी आप फ्लैग्स देख रहे हैं वो लग चुके हैं। और पीछे दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, रहेजा दी रेवांता। और यही वो रोड है दोस्तों जो आगे जाके कनेक्ट होती है आपका MX के मेन सेंटर से, मेन जो कॉर्पोरेट हब है उससे कनेक्ट होती है। तो बहुत टाइम से इस रोड पर काम चल रहा था, बहुत टाइम से इस रोड की कनेक्टिविटी पेंडिंग थी। एंड अगर आप देखें तो इस चौक को बोल दिया गया है पापड़ी चौक, दिस चौक इज कॉल्ड द पापड़ी चौक, जो गांव शिखोरपुर को जाता है। और इसी पे अगर हम स्ट्रेट चलेंगे तो देन वी विल रीच द MX हेड ऑफिस, MX का मेन जो कैंपस है, जो सबसे बड़ा लैंड पार्सल अमेरिकन एक्सप्रेस ने यहाँ पर लिया था। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, तो ये जो डील हुई थी, DLF से डील हुई थी MX के कैंपस की, 30 करोड़ पर एकड़ की डील थी, 10 एकड़ का लैंड पार्सल बाय किया था, तो लगभग 320 करोड़ के आसपास की टोटल डील थी। अगर आप न्यूज में सर्च करके मारेंगे DLF MX कैंपस सेक्टर 74, तो इसका सारा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो लगभग 320 करोड़ की डील में MX ने DLF से कहा, आप ही हमारा कैंपस बनाओ, आप ही ग्रीन बिल्डिंग में, गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग में मास्टर्स हो, यू आर द मास्टर्स ऑफ कमर्शियल इन द गुड़गांव, यू आर द फादर ऑफ गुड़गांव। तो MX ने 320 करोड़ की डील में DLF को ये बोला था कि आप ही ये पूरा MX का कैंपस बनाइए, डेवलप कीजिए और रेडी कीजिए, और ये हमारा पहला इंडिया का सेल्फ ओन्ड कैंपस होगा। जी हाँ दोस्तों, आज तक MX के जितने भी कैंपसेस थे वो सारे के सारे लीज पर थे, चाहे आप साइबर सिटी ले लीजिए, चाहे यू टेक एनी ऑफ दी एरियाज ऑन द गोल्फ कोस्ट रोड, होराइजन सेंटर, तो वो सारे के सारे लीज पर थे। यहाँ पर भी प्रॉपर M3M गोल्फ हिल्स का डिमार्केशन हो चुका है, दैट मीन्स द साइनेजेस शोज दैट यहाँ से आप M3M गोल्फ हिल्स के लिए कनेक्टिविटी लेंगे, M3M अंतालिया के लिए कनेक्टिविटी लेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। ग्रीन बेल्ट भी प्रॉपरली मेंटेन हो रही है, M3M इज मेंटेनिंग दिस ग्रीन बेल्ट, उसके आगे मैप्स को मेंटेन कर रहा है, उसके आगे DLF मेंटेन कर रहा है, बीच में वाइट लैंड मेंटेन कर रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ये जो सारा का सारा आप काम देख रहे हैं, ये DLF परवाना साउथ का डेलीगेशन है जो ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पर DLF परवाना साउथ का पूरा जो काम है वो चल रहा है। ये जो आप पूरा डेलीगेशन देख रहे हैं, ये DLF परवाना साउथ का है, सामने M3M की गैलरी है, एंड लेट मी शो यू के DLF परवाना साउथ का जो काम है कितना ब्यूटीफुली चल रहा है। और DLF परवाना साउथ आने के बाद ये देखिए, ये जितने भी आप होर्डिंग्स देख रहे हैं ये सारे के सारे DLF परवाना साउथ के होर्डिंग्स हैं जो आप ये देख रहे हैं। और ठीक सामने टी पॉइंट पे आता है हमारा MX का कैंपस। उससे पहले मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ आपको DLF परवाना साउथ का, एक हल्का सा व्यू। ये देखिए, पूरा का पूरा बैरिगेशन हो चुका है DLF परवाना साउथ का, दिस इज द टोटल बैरिगेशन। आप ग्रीन बेल्ट देखिए कितनी प्रॉपरली मेंटेन्ड है, पूरी की पूरी जो ग्रीन बेल्ट है दैट इज वेरी वेल मेंटेन्ड बाय DLF परवाना साउथ। इसको कहते हैं कि DLF जहां पर भी आता है, वेर एवर द DLF कम, दे नो हाउ टू मेंटेन द प्रोडक्ट, हाउ टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सिर्फ सामने की ही बात नहीं है, सामने जो DLF परवाना वेस्ट का जो कैंपस है जहां पर 5 हाई राइज टावर है, बीच में जो आप पूरा ये ग्रीन बेल्ट का काम देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो काम है दैट इज टोटली एंड टोटली बाय द DLF। तो ये देखिए, दिस इज द मेन गेट ऑफ DLF परवाना, एंड अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन गेट है, जो प्रॉपर लैंडस्केपिंग है,
वो पूरा का पूरा डन अप हो चुका है. तो दिस इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ डीएलएफ, जो डीएलएफ को बोलते हैं गुड़गांव का किंग है. ये देखिए कितना डीएलएफ परवाना साउथ का जो ब्यूटिफिकेशन है, बहुत ही ब्यूटिफुल ब्यूटिफिकेशन है. नॉट ओनली द डीएलएफ परवाना साउथ बट ऑल्सो द वर्किंग ऑफ द डीएलएफ परवाना वेस्ट विद द रेरा हैज ऑलरेडी बिगिन. तो डीएलएफ इज फेमस फॉर मेंटेनिंग देयर प्रोडक्ट्स, देयर क्वालिटी टू द नेक्स्ट लेवल बाय डिफॉल्ट. एंड लेट मी शो यू द वेरिगेशन ऑफ डीएलएफ परवाना वेस्ट. तो दोनों रोड के अपोजिट साइड है. अगर आप इस साइड देखें तो ये डीएलएफ परवाना वेस्ट का पूरा वेरिगेशन है जो आप देख रहे हैं, और अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देखें तो डीएलएफ परवाना साउथ का है. मतलब डीएलएफ परवाना और बीच में ये M3M फाउंडेशन है जो पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट मेंटेन कर रहा है. सो दिस इज द डीएलएफ परवाना वेस्ट एंड इसके ठीक सामने डीएलएफ परवाना साउथ. तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, जब डीएलएफ परवाना वेस्ट और डीएलएफ परवाना साउथ एक तरह से बनकर सामने आएगा तो इट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिमिलर टू डीएलएफ अरालियाज, मैग्नोलियाज एंड कैमेलियाज. बहुत ही मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर डीएलएफ का छोटा मोटा लैंड पार्सल नहीं है, 150 एकड़ से ज्यादा का रेसिडेंशियल है एंड 270 एकड़ से ज्यादा का कमर्शियल है एक्सक्लूडिंग डीएलएफ अल्मेडा. तो मैं सेक्टर 76 और 77 की बात करूं तो लगभग 150 एकड़ का तो रेसिडेंशियल ही है डीएलएफ का यहाँ पर. और जो मैं MX कैंपस, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन, TCS ऑफिस, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ तो 270 एकर्स. मतलब मैं अगर एग्जिस्टिंग साइबर सिटी की बात करूँ तो एग्जिस्टिंग साइबर सिटी का जो टोटल एरिया है वो है 90 एकर्स का. मतलब एग्जिस्टिंग साइबर सिटी से 3 गुना बड़ी साइबर सिटी का जो कमर्शियल लैंड पार्सल है यहाँ पर सेक्टर 74A एंड सेक्टर 75A के अंदर डीएलएफ के पास है. दिस इज द पावर ऑफ डीएलएफ, दिस इज द कॉर्पोरेट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ डीएलएफ के भाई इतने बड़े मेजर लैंड पार्सल को डेवलप करना, डिलीवर करना एंड मेंटेन करके रखना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है. वैसे ही डीएलएफ को नहीं बोलते हैं कि डीएलएफ इज द किंग ऑफ गुड़गांव, डीएलएफ इज द फादर ऑफ गुड़गांव, डीएलएफ इज, ये देखिए डीएलएफ परवाना वेस्ट का, दिस इज द साइनेज ऑफ डीएलएफ परवाना वेस्ट. आई होप द साइनेज इज विजिबल टू यू. एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस फॉर द डीएलएफ परवाना वेस्ट. 5 बड़े टावर्स हैं, 3700 स्क्वायर फिट का साइज है, 4 बेडरूम विद 7 क्वार्टर विद फैमिली लाउंज है. लोकेशन बहुत प्राइम है, फेसिंग द अरावली है. साउथ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, वेस्ट भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है. कुछ इन्वेंट्रीज लेफ्ट हैं, अगर कुछ इन्वेंट्रीज की जानकारी आपको चाहिए तो बिलो मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ. तो बात हो गई सेक्टर 79 की, जो मैंने आपको बताया. 80 से शुरुआत करते हैं. 80 में कॉन्शियंट हैज अ न्यू प्रोजेक्ट पार्क, देन योर शोभा इज कमिंग विद अ न्यू प्रोजेक्ट इन सेक्टर 80 इन द कर्मा लेकलैंड. Then 79 is famous for M3M Antalya, M3M Golf Hills, Mapsco Icon 79, then Godrej Arista and then Signature Global SG Sector 79 City. True both Gaya Habitat का commercial plus residential. ये सारे products हैं जो sector 79 और 80 में हैं. अगर हम 76 और 77 की बात करें तो DLF Privana West and DLF Privana South plus Whiteland का Blissville यहाँ पर आता है. वाइट लैंड का एस्पन यहाँ पर आता है और वाइट लैंड का एस्पन आइकॉनिक यहाँ पर आता है. तो ये 3 प्रोडक्ट वाइट लैंड के हैं जो सेक्टर 76 के अंदर हैं. हालांकि जो लैंड पार्सल वाइट लैंड ने लिया था, बाय डिफॉल्ट दे हैव टेकन द लैंड पार्सल फ्रॉम द डीएलएफ एंड वंस द डीएलएफ हैज लॉन्च्ड द प्रोडक्ट देन इट बिकम्स अ हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट. तो ये वो ग्रीन बेल्ट है दोस्तों जिसकी मैं आपको बात कर रहा था. ये अभी मैं जंक्शन पे चल रहा हूँ. आई एम जस्ट गोइंग ऑन द डिवाइडर which reaches to sector 74A, जहाँ पर MX का कॉर्पोरेट ऑफिस है जो DLF ने बनाया है. और that is the first green building of MX. My friend is also there, Nikunj, and multiple friends are there in the MX. तो एक दिन मैं आपको MX के कैंपस में भी लेके चलूँगा, MX का कैंपस भी दिखाऊँगा कितना प्यारा कैंपस बनाया है DLF ने. और ये देखिए पूरे डीएलएफ के फ्लैग्स लग चुके हैं. रोड प्रॉपर ब्लैक टॉप हो चुकी है, प्रॉपर ब्लैक टॉप. एक गड्ढा
सिंगल नहीं दिखेगा। ये देखिए साइड वॉकवेज में पत्थर लगना स्टार्ट हो गया है, प्रॉपर साइड वॉकवेज में पत्थर लगना स्टार्ट हो गया है। ग्रीन बेल्ट जो है उसमें पूरे ट्रीज, पूरा आई थिंक लगभग 5000 से ज्यादा प्लांट्स डीएलएफ ने यहाँ पर लगा दिए हैं जब से ये प्रिवाना वेस्ट एंड साउथ लॉन्च हुआ है। और इसी को बोलते हैं एक इकोसिस्टम, मतलब डीएलएफ जहाँ आता है वहाँ पे एक इकोसिस्टम बना देता है। वहाँ पे आपको पेडेस्ट्रियन पाथवेज भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रीन बेल्ट भी मिलेगी, वहाँ पर रोड में एक भी गड्ढा आपको नहीं मिलेगा, एक स्मूथ ड्राइव मिलेगा, चौड़ी सड़कें मिलेंगी, डीएलएफ की पैनोलिंग मिलेगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अच्छा, डीएलएफ रवाना साउथ में भी और डीएलएफ रवाना वेस्ट में भी दोनों में जो साइजेस थे ऑलमोस्ट सेम ही थे, 3700, वन यूनिक साइज, वन यूनिक प्राइस एंड वन यूनिक लेआउट एक्सेप्ट द पेंट हाउसेस विच इज ऑफ कोर्स ऑफ द बिगर साइजेस। एंड जो लेआउट है वो भी बहुत ही अच्छा है। इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बताकर बनाऊंगा कि हाउ दीज प्रोडक्ट्स आई एम कंपेयरिंग इट विद द डीएलएफ राडियाज, मैग्नोलियाज एंड कैमिलियाज, डीएलएफ रवाना साउथ एंड डीएलएफ रवाना वेस्ट, क्योंकि वहां पर साइजेस बहुत बड़े आ जाते हैं। वहाँ 7500 स्क्वायर फीट का साइज आ जाता है अगर मैं बात करूँ अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमिलियाज की। यहाँ पर साइज है 3700 का, तो लगभग देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट हाफ द साइजेस। ये देखिए प्रॉपर पानी दिया जा रहा है, प्रॉपर चैनलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का। यहाँ पर मज़ा आता है जब डीएलएफ, मतलब आप गुड़गांव में एंटर करते हो, आपको डीएलएफ डाउनटाउन दिखता है, फिर डीएलएफ साइबर स्पेसेस दिखता है, फिर डीएलएफ साइबर सिटी दिखता है, फिर शिप बिल्डिंग दिखती है डीएलएफ की। तो जब आप डीएलएफ एंटर करते हैं गुड़गांव के अंदर, तो इट्स अ प्राइड फीलिंग, मतलब जो गुड़गांव को एक नया रूप दिया है वो कहीं ना कहीं डीएलएफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बाकी फिर बाकी डेवलपर्स तो आते ही हैं, M3M है, MR है, सेंट्रल पार्क है, लॉट ऑफ अदर डेवलपर्स आते हैं, शोभा SS ग्रुप है, IDO है, लॉट्स ऑफ अदर बिरला है, अदानी है, लॉट्स ऑफ अदर डेवलपर्स आते हैं। बट डीएलएफ बाय डिफॉल्ट हैव सेट दिस बेंचमार्क। एक तो कमर्शियल बनाते हैं और सिर्फ लीज करते हैं, बेचते नहीं है, ये सबसे बड़ा USP है कि रेंटल इनकम बढ़ाते जा रहे हैं, रेंटल इनकम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बहुत स्पेशल एडवांटेज है डीएलएफ को कि बाय डिफॉल्ट दे हैव अ ह्यूज रेंटल इनकम फ्रॉम देयर कमर्शियल्स। अगर हम बात करें साइबर सिटी की या डीएलएफ साइबर स्पेसेस की या डीएलएफ डाउनटाउन की, तो सारा का सारा सिर्फ कमर्शियल इन लोगों ने बनाया है और लीज आउट किया है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट विच इज डीएलएफ। नाउ दिस इज द टी पॉइंट जहाँ पे राइट हैंड साइड पे M3M का कॉर्नर वॉक, स्काई वॉक एंड कॉर्नर वॉक रिटेल, कमर्शियल, फूड कोर्ट, ब्यूटी, रेस्टोरेंट, साइबर मार्केट आपको दिखेंगे। ये सारे लॉफ्ट्स दिख रहे हैं, लॉफ्ट्स एट द रेट 74 जो कि गुड़गांव के पहले डबल हाइट स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाए हैं M3M ने, जिनको दे आर प्लानिंग टू लीज इट आउट टू सम वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी चेन। एंड उसके साथ साथ अगर मैं सामने बात करूं तो MX का जो बिल्डिंग है वो ऑपरेशनल हो चुकी है, फाइनल फिट आउट्स चल रहा है, अंदर इंटीरियर हो चुका है एंड ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो चुकी है ये बिल्डिंग। तो यहीं से हम कनेक्ट होंगे CPR पे। तो दिस इज आई एम टेकिंग अ लेफ्ट और मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो सेक्टर है दोस्तों, ये वो सेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है आपका MX का कैंपस जो आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ MX, अमेरिकन एक्सप्रेस, MX का सबसे बड़ा कैंपस पूरा का पूरा रेडी है। आई थिंक ऑपरेशनल भी ऑलमोस्ट हो चुका है, मुझे तो दिख रहा है यहाँ से कि फाइनल कर्टेंस वगैरह, ब्लाइंडर्स वगैरह लग चुके हैं। तो ये MX का ऑफिस है एंड बीच में भी आप ग्रीन बेल्ट देखिए भाई। सबसे बड़ी बात तो गुड़गांव की डीएलएफ के साथ ये है कि भाई दे आर अ वेरी इको फ्रेंडली ब्रांड। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द बिग लवर ऑफ नेचर भाई। वॉट एवर द प्रोडक्ट्स आज की डेट में जो आ रहे हैं वो तीन ही चीज़ों पे आ रहे हैं, या तो आपका नेचर ज़्यादा होगा, या ग्रीनरी ज़्यादा होगी, वाटर बॉडी ज़्यादा होगी, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। ये आपका डीएलएफ का TCS का कैंपस है जहाँ पर आज की डेट में TCS के 7000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स के अंदर है। और यही वो पार्ट है जिसको आप लोग, हम लोग बोलते हैं DLF साइबर सिटी 2। यहीं पर अगर मैं जाता हूँ तो आई विल बी कनेक्टेड टू द SPR से CPR, CPR से नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे से
द्वारका एक्सप्रेस वे, यही सारी कनेक्टिविटी है जो आज से काफी टाइम पहले हम बताते थे यहाँ पर ये आएगा यहाँ पर वो आएगा, आज की डेट में बताना नहीं पड़ता है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जो जो लोगों को बताया था, जो जो अपने कस्टमर्स को चीज़ें बताई थी, वैसी की वैसी ही चीज़ें सारी की सारी मेटीरियलाइज हो रही हैं। एंड अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे जाना है तो ये CPR ख़त्म हो चुका है, सॉरी SPR ख़त्म हो चुका है, ये मैं CPR पे हूँ। CPR इज़ द जंक्शन विच कनेक्ट्स SPR टू दी NPR। NPR को ही द्वारका एक्सप्रेस वे बोलते हैं, NPR को ही नॉर्दर्न पेरीफेरी रोड बोलते हैं। तो NPR और द्वारका एक्सप्रेस वे अगर कोई आपसे बात करे तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो CPR वो पॉइंट है जो SPR को NPR से कनेक्ट करता है, सिंपल। और क्योंकि मुझे अभी राजीव चौक जाना है फॉर सम वर्क एट दी कोर्ट, मेरे कुछ क्लाइंट्स का रजिस्ट्रीज वगैरह हैं, कुछ उनके डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो आई एम गोइंग अलॉन्ग विद देम एट दी राजीव चौक मिनी सेक्रेटरीट। तो ये वो कनेक्टिविटी है जो आपको कनेक्ट करती है डायरेक्ट नेशनल हाईवे से। तो मैं 79 से भी कनेक्टिविटी आपको दिखा दी है, प्रॉपर नेशनल हाईवे आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज आई एम कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवे। सामने ये जो ब्रिज है ये वही ब्रिज है जो अगर आप द्वारका जाना चाहते हैं तो सीधे इस ब्रिज से आप SPR से द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाते। सामने आपको DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स दिख रहा है। सो दिस इज अ लिटिल अपडेट अबाउट दी सेक्टर 79 टू 76 टू 74 टू 75 वे। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में मोर अपडेट्स के साथ, मोर इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक विल स्टे ट्यून्ड विद यू। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कॉल मी एनी टाइम टू डिस्कस मोर अबाउट दी गुड़गांव रियलिटी अपडेट्स। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय एवरीवन।